वेलकम फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके मन से मैंगो ग्राफ्टिंग का डाउट हमेशा के लिए मिटाने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं मैंगो ग्राफ्टिंग के एक ट्रिक और इन्फॉर्मेशन रिजल्ट के साथ दिखाने वाला हूँ। और इस तरीके से मैंने दिखाए हुए तरीके से अगर मैंगो की ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं होती तो मैं यूट्यूब पे वीडियो डालना ही छोड़ दूंगा। तो आप वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो बिल्कुल अंत तक एकदम बारीकी से देखते रहो। तुम ये वीडियो एकदम बारीकी से अंत तक देखते हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें और कई मैंगो ग्राफ्टिंग की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलो ये वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने ग्राफ्टिंग के लिए ये एक हापुस वैरायटी की कटिंग ली है। तो पहले मैं इस कटिंग के पत्ते बिल्कुल इस तरह से कैंची से काट देता हूँ। कुछ लोग इन पत्तों को डायरेक्ट जॉइंट से उखाड़ देते हैं, तो इससे हमारी कटिंग को नुकसान होता है और हमारी ग्राफ्टिंग अनसक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो तुम्हें भी पत्तों को बिल्कुल इसी तरीके से काटना है। और दोस्तों, जब भी हम ग्राफ्टिंग के लिए कटिंग चूज करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वो ब्रांच ओल्ड होनी चाहिए और उसके ऊपर से एक छोटा सा बर्ड न्यू ग्रोथ वाला वो दिखना जरूरी है। तो चलो मैं इस कटिंग को बीच से काट देता हूँ, क्योंकि ये साइज में बहुत बड़ी है और ग्राफ्टिंग के लिए कटिंग की साइज 3 से 5 इंच ही होनी चाहिए। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो चलो मैं इसके बाद इस कटिंग की नीचे वाली साल हल्की सी निकाल देता हूँ, बिल्कुल इस तरह से। और इसके बाद मैं कच्चा बनाने देता हूँ और उस बनाने के अंदर मुझे इस कटिंग को इस तरह से डालना है। देखो, इस तरह से मैं इसको डालता हूँ। ये जो बनाना होता है ये नेचुरल रूटिंग हार्मोन का काम करता है। ये लगाने से हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल होने में मदद होती है। तो चलो, ये वो ट्री है जिसके ऊपर हम ग्राफ्टिंग करने वाले हैं। और अभी दोस्तों, ये वीडियो आप बिल्कुल स्किप मत करो, क्योंकि अभी मैं आपको वो ट्रिक सीक्रेट वो बताने वाला हूँ। तो जो हम ग्राफ्टिंग के लिए मदर प्लांट चूज करते हैं उसके ऊपर की ऐसी न्यू ग्रोथ वाली ब्रांच सिलेक्ट करनी है। और आप ऐसे ब्रांच पे ग्राफ्टिंग करते हो तो आपकी ग्राफ्टिंग 99% सक्सेसफुल होगी ही होगी। तो चलो, इसके बाद मैं एक नया ब्लेड लेता हूँ। तुम चाहे तो कटर या ब्लेड वॉश करके भी ले सकते हो। तो चलो, अब इसको मैं ऊपर से कट करता हूँ। तो अभी तुम्हें भी पता चलेगा कि मैंने न्यू ग्रोथ वाली ही ब्रांच सिलेक्ट करनी हो क्यों कही। अब देख सकते हो इसके अंदर चीक होता है, तो ये चीक हमारी ग्राफ्टिंग ज्वाइन करने का काम फास्ट करता है और हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल होती ही होती है। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर से स्ट्रेट बीचों बीच एकदम नीचे तक कट लगा देता हूँ। और इस मदर प्लांट में उतनी ही कट लगाए जितने कि हमने ग्राफ्टिंग के लिए जो कटिंग सिलेक्ट की है उतनी उसकी साइज होनी चाहिए। और ये कट आपको 2 से 3 इंच तक ही लगानी है। अब इस सायन के दोनों तरफ से इस तरह से तिरछा कट लगाए, बिल्कुल ही हल्के हाथों से ये कट लगाए। और ध्यान रखें कि कटे हुए हिस्से पर मिट्टी या अपने गंदे हाथ ना लगे, वरना इन्फेक्शन के कारण ग्राफ्टिंग खराब भी हो सकती है। और कट इतना ही होना चाहिए जितना गहरा चीरा आपने मदर प्लांट में लगाया है, जिससे कि दोनों आपस में एकदम फिट हो सके। अब कलम काड़ी को मदर प्लांट में अच्छी तरह से फंसा दीजिए। यह हमें बिल्कुल अपने हल्के हाथों से ही करना है। और दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो कटिंग होती है उसकी साइज ज़्यादा होती है, तो उस समय हमें यह करना चाहिए कि कटिंग की जो साल वाली बाजू है वो एक अंदर रहनी चाहिए, एक बाहर रहे तो चलेगी, लेकिन उसको बीचों बीच बिल्कुल नहीं रखना है। अब इसके बाद इसे ग्राफ्टिंग टेप, सेलो टेप या प्लास्टिक से आप बांध दीजिए। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको ग्राफ्टिंग टेप यूज करने की सलाह दूंगा। तो आप इसे ग्राफ्टिंग टेप से फिट कर दीजिए और पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा इसे कवर कर दीजिए। और अगर ग्राफ्टिंग वाला जोड़ ज़रा भी लूज रहेगा तो आपकी ग्राफ्टिंग अनसक्सेसफुल हो सकती है, इसलिए इसे एकदम टाइट से लपेट कर इसे आप वाटरप्रूफ कर दीजिए। और ग्राफ्टेड पार्ट पर हवा बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर फंगस पकड़ सकती है और ग्राफ्टिंग फिर से अनसक्सेसफुल हो सकती है। चलो, इसके बाद मैं ग्राफ्टिंग टेप से इसके ऊपर एक गांठ मार के एक साइन लगा देता हूँ, ताकि ये पता चले कि ये वीडियो फेक नहीं है। अब इसके ऊपर मैं एक प्लास्टिक का ग्लास लगा दूंगा ताकि इसके अंदर ह्यूमिडिटी बने रहे और इसके ऊपर जो वाटर ड्रॉप्स पड़ते हैं उससे भी बचाव हो सके। तो चलो, अब ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल होने के बाद ही मिलते हैं। तो दोस्तों, ये है रिजल्ट 20 दिन बाद का। अभी 20 दिन कम्प्लीट हो चुके हैं और हमारी ग्राफ्टिंग भी सक्सेसफुल हो चुकी है। चलो, अब इसके ऊपर का प्लास्टिक का ग्लास हटा कर देखते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हो कि इसके ऊपर से छोटी छोटी पत्ती आई है, आप ये देख सकते हो, इसका मतलब कि हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। तो आप ये देख सकते हो। और दोस्तों, हमें यह ग्राफ्टिंग टेप अभी नहीं निकालनी है, यह मैं आपके सामने आपको निकाल कर दिखा दूंगा, लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ, लेकिन कुछ दिन आपको रुकना पड़ेगा, आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। अब दोस्तों, मैं इसके ऊपर से थोड़ी सी साल ब्लेड से निकाल देता हूँ ताकि मैं इसके ऊपर साइन रख सकूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं देखो यहाँ पर ये साइन रख देता हूँ। और दोस्तों, इतना डिटेल में वीडियो कोई नहीं दिखाता, प्लीज़ आप मेरे लिए एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, इसकी पत्ती अभी नाजुक है तो इसके ऊपर मैं फिर से ग्लास रख देता हूँ। तो चलो, अभी 10 दिन बाद मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी 10 दिन कम्प्लीट हो चुके हैं, मतलब कि जब से ग्राफ्टिंग की है तब से अब तक 30 दिन।
चलो अब इसके ऊपर से हम ग्लास को हटा देते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो इसका कितना बाष्पीभवन हुआ है, ये देखो आप ये देख सकते हो। और अभी आप ग्राफ्टिंग देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है और अच्छे अच्छे पत्ते भी आए आप ये देख सकते हो। अभी मैं आपको वो साइन दिखा देता हूँ जो कि हमने ब्लेड से किया था, और अब हमारा जॉइंट भी अच्छी तरह से मिल चुका है, एकदम फिट हो चुका है। तो अब हम और 10 दिन वेट करते हैं, इसके बाद मैं आपको ग्राफ्टिंग टेप निकाल कर दिखाने वाला हूँ। तो चलो 10 दिन बाद मिलते हैं। तो दोस्तों ग्राफ्टिंग करने से अब तक 40 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारी ग्राफ्टिंग आप देख सकते हो बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुकी है। और आप ये साइन भी देख सकते हो जो कि हमने लगाया था, मतलब कि ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हुई है और वीडियो भी फेक नहीं है। और हाँ, मैं पिछले टाइम आपको बताना भूल गया था कि इसके ऊपर ग्लास नहीं रखना है, तो मैंने ग्लास नहीं रखी थी। तो चलो अब इसके बाद मैं इसके ऊपर की ग्राफ्टिंग टेप आपको निकल कर दिखा देता हूँ जो कि ये कोई नहीं करके दिखाता है। तो आप प्लीज़ वीडियो के लिए लाइक शेयर और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों हाँ, आपको ये ग्राफ्टिंग टेप बिल्कुल 2-3 महीने से पहले बिल्कुल नहीं निकालनी है, मैं आपके लिए निकल कर दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जोड़ बहुत ही नाजुक होता है, अगर आपकी एक भी गलती होती है तो ये जल्द से जल्द टूट भी सकता है, तो ये बात का आप ध्यान रखें। चलो अब मैं इसे धीरे धीरे निकाल देता हूँ, हल्के हाथों से एकदम निकाल देता हूँ। टेप को निकालने के बाद आप इसको फेंकना नहीं है, आप इसके दोबारा यूज कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से जॉइंट हो चुका है, मतलब कि हमारी वी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो चुकी है, आप ये देख सकते हो। तो चलो अब मैं इसको आपको इसके दूसरे साइड से भी दिखा देता हूँ कि उस साइड से ये कैसा दिख रहा है। तो आप ये देख सकते हो इसकी ये दूसरी साइड है और ये इसके दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से जॉइंट हो चुका है। तो दोस्तों अब भी इस वीडियो में जैसा क्राफ्टिंग करने का तरीका दिखा है उसी तरह से ग्राफ्टिंग करते हो तो आप भी आसानी से मैंगो ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल कर सकते हो। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।